सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हैना ब्यूटी चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन ताकि आप आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैना ब्यूटी क्लास 41। तो गाइस, आज की क्लास में हम फुल हैंड मेहंदी डिजाइन विद पिकॉक प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको काफी सारे पिकॉक डिजाइन प्रैक्टिस कराए थे, तो उनको ही आज हम अरेंज करके अपना फुल हैंड मेहंदी डिजाइन बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बीच में फ्लावर बंच यूज करूंगी और यहाँ पर हम वही फ्लावर को यूज करके उसके बाद पिकॉक अरेंज करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे हम। और गाइस, जो भी हमारे बिगनर हैं या फिर जो भी लोग हमें फेसबुक पर अपनी प्रैक्टिस रेगुलर शेयर करते हैं, उन लोगों को मुझे कुछ बताना है तो वो मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगी। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए बस जल्दी से अपनी आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्लावर बंच को ड्रॉ करेंगे। तो तीन फ्लावर मैं यहाँ पर एक के ऊपर एक ड्रॉ करूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्पाइरल से स्टार्टिंग दे रही हूँ। देख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल वाला स्पाइरल मैंने यहाँ पे यूज किया है और इसके ऊपर मैं हल्की हल्की आउटलाइन दे दूंगी ऊपर से। इस तरीके से करने के बाद अब हम अपनी पेटल्स के लिए इसमें इस तरीके से रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप इजीली ये पेटल इक्वली ड्रॉ कर पाएंगे। तो इस तरीके से किया हमने। तो देखिए, इस तरीके से हमने अपना फ्लावर ड्रॉ किया। अब इसके अंदर मैं शेडिंग दूंगी इसमें। तो देखिए, बहुत ही हल्की हल्की मैंने इसमें लाइनिंग देते हुए शेडिंग दी है। अब इसी के ऊपर मुझे यहाँ पे दूसरा फ्लावर बनाना है अपना। तो देखिए, इस तरीके से मैंने अपना फ्लावर बंच बनाया। इसको हम बाद में ऊपर की तरफ से हाईलाइट करेंगे। तो थोड़ी थिक थिक लाइन हम इसमें ऊपर से देंगे जिससे हमारे फ्लावर एकदम उभर के आए। तो फ्लावर बनाने के बाद अब मैं बाकी की चीज़ें इसमें पहले ऐड कर दूंगी। आप कोई भी फ्लावर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी से। आप लीफ इसमें अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आउटलाइन देने के बाद अब हम इन्हें अंदर से फिल करेंगे। तो देखिए गाइस, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लाइट लाइट लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि जब मैं इसे ऊपर से हाईलाइट करूंगी तो हमारा ये एक अलग ही इसमें लाइन वेरिएशन दिखाई देगा, तो हमारी लीफ बहुत सुंदर दिखेंगी। तो इसी तरीके से हमें ये लीफ ड्रॉ करनी होती है। इस तरीके से करने के बाद अब मैं इसको ऊपर से आउटलाइन दे रही हूँ यहाँ पे। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर इन अपनी फ्लावर की पेटल्स को ऊपर से आउटलाइन दूंगी। तो आपको ध्यान ऐसे ही रखना है कि नीचे की तरफ से हम अपनी एकदम बारीक लाइन देते हैं इसको, और ऊपर की तरफ से थोड़ी थिक आउटलाइन देते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने अपना फ्लावर बंच बनाया। अब इसके साथ हम यहाँ पर अपना बॉर्डर का लाइन देंगे। तो यहाँ से मैं अपना बॉर्डर रखूंगी इसमें, और फिर यहाँ पे हमारा बॉर्डर रहेगा। तो यहाँ पे हम किसी भी तरीके से इसमें बीच में चेक डाल सकते हैं। आप चाहें तो बारीक फिलिंग एलिमेंट से भी इसको फिल कर सकते हैं।
यहाँ पर हम लाइन देंगे। और इसके साथ मैं यहाँ पर ऊपर इसमें लीफ वाइन ऐड कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसे यहाँ पर फिल करने के लिए आप अलग अलग तरीके से गल्फ एलिमेंट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने इसको ऊपर से पूरा बंच बना लिया है, अब हम नीचे की तरफ से इसमें फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखिए गाइस, आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही बारीक वाली फ्रिल अपनी यूज की है यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको बारीक वाली फ्रिल यूज करनी है। अगर आपने अभी तक अपनी फ्रिल को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको पहले उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ऐसे रैंडम ही आप अपना फुल हैंड पहले डिजाइन प्रैक्टिस ना करें। अगर आपने पीछे क्लासेस को कोई भी एलिमेंट को अगर आपने स्किप किया है तो आपको पहले उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तभी आपकी मेहंदी में फिनिशिंग आ पाएगी। तो फ्रिल अब हम ऊपर से इसमें इस तरीके से ये राउंड वाली पेटल ऐड करेंगे अपनी। तो यहाँ तक मैंने ये बॉर्डर दिया है, अब इसको मैं सिंपल बारीक वाली फ्रिल से ही एक आउटलाइन दूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर टू लेयर ऐड की है फ्रिल की। तो देखिए गाइस, आपको इसी तरीके से अपनी फ्रिल ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। काफी लोग जो प्रैक्टिस शेयर कर रहे हैं फेसबुक पे, मैंने उनमें देखा है कि वो लोग फ्रिल ड्रॉ कर रहे हैं, काफी मोटे मोटे फ्रिल ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे भी उनसे बन रही है वैसे ही वो बार बार पोस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे आप बनाने की कोशिश करें एकदम बारीक बारीक। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस अपना रखेंगे तो आगे चल के आपको एकदम से फिनिशिंग वाली फ्रिल बन पाएगी। अगर आप प्रैक्टिस में वही डाल लेंगे कि आपको बस जल्दी जल्दी काम करके खत्म करना है तो आपको फिर आगे भी आप उसमें इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जितना धीरे धीरे वर्क करके फिनिशिंग आप ला सकें उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं अपना इतना बॉर्डर रखूंगी और इसके अंदर चेक फिल करेंगे हम। तो पहले हम इसको आउटलाइन ले लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसमें अपनी चेक फिल करूंगी। कोई भी सिंपल वाले चेक या फिर हैवी वाले चेक आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे भी आपको प्रैक्टिस करनी है आप उनको ट्राई कीजिए। तो जो हमारे बिगनर है, अगर आपको चेक ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है तो आप स्टार्टिंग में इस तरीके से हल्की सी लाइन बना सकते हैं और उसके बाद आप उस पे ऊपर से अपनी ये वाली स्पाइरल लाइन अगर आप यूज कर रहे हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपनी यहाँ पर ये इधर से लाइनें कंप्लीट की हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप चेक बनाएं तो आपकी लाइन इस तरीके से आनी चाहिए कि यहाँ पर हमारा एकदम, अगर इस तरीके से लाइन जा रही है तो उसके ऊपर ऐसे लाइन आनी चाहिए। तो आपको इसी तरीके से देखना है, आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा।
तो देखिए इस तरीके से हमने अपने बेसिक वाले चेक यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी चेक इसमें यूज कर सकते हैं। तो चेक बनाने के बाद ऊपर हमें दोबारा से, जैसे हमने यहाँ पर फ्रिल बॉर्डर दिया था, ऐसे अभी यहाँ पे बॉर्डर देंगे हम। तो आपको ध्यान देना है जब भी आप इस तरीके से चेक के आसपास या फिर बॉर्डर अगर आप बना रहे हैं तो आप 3-4 लाइन लेयरिंग यूज कर सकते हैं। अब दोबारा से मैं इसमें यहाँ पर बारीक वाली फ्रिल ऐड कर रही हूँ। तो अब दोबारा से मैं वही जो हमने ऊपर बॉर्डर यूज किया था वही बॉर्डर इसको दे रही हूँ। देखिए यहाँ तक हमने इसको अपना अभी तक ड्रॉ किया है। तो अब यहाँ पे मैंने बीच में चेक दिया, बॉर्डर दिया, मैं दोबारा से यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये फ्लावर बंच यूज किया था उसको यहाँ पे दोबारा अरेंज करूंगी। तो देखिए इस तरीके से हमने जैसे पहले अपने फ्लावर ड्रॉ किए थे ऐसे ही फ्लावर ड्रॉ कर लिए। तो बस अब हम इन्हें ऊपर की तरफ से आउटलाइन देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना ये पूरा फ्लावर बंच अरेंज किया है। बाकी जो भी स्पेस बचा हुआ है उसमें मैं यहाँ पर ये छोटे वाले स्वर्ल से इसको फिल कर दूंगी। और यहाँ पर जो हमारा स्पेस है इसमें आप लीफ ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपना पिकॉक डिज़ाइन इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड किया है पिकॉक की नेक को। अब यहाँ से हम हल्के से आउटलाइन देते हुए तो यहाँ पे अपना इसका बॉडी ड्रॉ करेंगे। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ से आप नेक जितना स्लिम बनाएंगे आपके पिकॉक की उतना ही सुंदर दिखेगा आपका पिकॉक। तो आपको उसकी गर्दन को एकदम स्लिम ही बनाना है। तो यहाँ पर हम उसके इस तरीके से अंदर बीक बना देंगे। तो ये मैं पूरा डिज़ाइन अंदर फिलिंग करने के बाद यहाँ पर इसको हम थिक आउटलाइन देंगे। यहाँ पर हम आई बनाएंगे अपने पिकॉक की। तो आपको ध्यान रखना है पहले आप हल्की सी लाइन करके छोड़ दीजिए और बाद में उसको फिलिंग कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही एकदम से बनाएंगे और उसी को फिल करेंगे तो आपका यहाँ पे जो आप पेस्ट फिल करेंगे वो अंदर की तरफ फैलने लगेगा और हमारे पिकॉक की जो आई है वो यहाँ पर छोटी हो जाएगी और इतनी सुंदर नहीं लगेगी वो। तो आपको इसी तरीके से पहले आउटलाइन देना है, उसके बाद इसको फिल करना है। यहाँ तक करने के बाद अब हम पिकॉक की फिलिंग करेंगे।
तो आप चाहे तो ऊपर की तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसको नीचे की तरफ से फिलिंग स्टार्ट करूँगी। देखिए, जैसे हमने ऊपर से इसको आउटलाइन दिया, हमारा पिकॉक एकदम से उभर के आया है। तो अगर आप ये ऊपर की आउटलाइन दे रहे हैं और इसको एकदम से चलता फिरता अगर आप इस पे वर्क कर रहे हैं, तो आपका पिकॉक यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ से बारीक लेते हुए आ रहे हैं और जहाँ पर भी इसका टमी ये कर्व है, तो यहाँ पर आपको इसको थिक करना है। और ऐसे ही मैंने इसको बाकी जगह इक्वल लाइन दिया है, तो इसी तरीके से आप इसमें अपनी लाइन को ड्रॉ करें। और आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इस तरीके से थिक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो कोन को आपको धीरे धीरे चलाते हुए करना होता है। अगर आप एकदम से स्पीड में और कोन बाहर, इसमें से पेस्ट बाहर आएगा, तो वो यहाँ पे इस तरीके से इक्वल नहीं आएगा, फैल सकता है वो इधर उधर। तो आपको बहुत धीरे धीरे तब इसको आउटलाइन देना होता है। तो यहाँ तक हमने किया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ऊपर से इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा स्पेस है, इसको हमें फिल करना है। तो इसको
आप ऊपर से जैसे चाहे वैसे फिलिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये छोटा सा अपना पीस लीस में ऐड किया है और इसको मैं ऊपर से इस तरीके से हाईलाइट कर रही हूँ। देखिए गाइस, इस तरीके से हमने अपना यहाँ तक अभी ये अपना डिज़ाइन ड्रॉ किया है। इधर आप इसमें जैसे चाहे बेसिक फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस डिज़ाइन को इस तरीके से लेके आ रही हूँ। तो यहाँ पर हम बीच में गैप रखेंगे और ऊपर से हम इसको सिंपल फिलिंग कर देंगे। देखिए, हमने यहाँ तक अपने डिज़ाइन ड्रॉ किया है। अब मैं इसको ऊपर की तरफ से आउटलाइन दूंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम अपना दोबारा से कोई भी फिलिंग कर सकते हैं इसमें। इसलिए मैंने आपको बार बार बोला है कि पीछे मैंने जितने भी फिलिंग एलिमेंट या फिर छोटे छोटे बेसिक एलिमेंट जो आपको प्रैक्टिस कराए हैं, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसी से ही हम अपना पूरा जितना भी हम बड़े बड़े डिज़ाइन बनाते हैं, कोई भी हैवी डिज़ाइन बनाते हैं, तो सब ये वहाँ पर बहुत काम आने वाला है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर इसको पूरे को फिल कर दूंगी। तो देखिए, आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर लाइन दिया, तो उतने में ही आप इसको इस तरीके से रख लें और इसके अंदर अंदर आप कोई भी फिलिंग करें बारीक वाली, और ऊपर आप इसमें यहाँ पर गल्फ एलिमेंट यूज कर सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। तो देखिए गाइस, इस तरीके से हमने अपना यहाँ पे ये डिज़ाइन ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक एलिमेंट मैंने इसमें यूज़ किए हैं। जितनी फिलिंग मैंने यहाँ पे की है सब आपको मैंने सिखाया है। फ्लावर मैंने बहुत सिंपल वाली यूज़ किया है, काफ़ी सारे फ्लावर हम पहले भी सीख चुके हैं। तो देखिए, इस तरीके से गल्फ एलिमेंट से हमने इसे थोड़ा डेकोरेट किया है, पिकॉक यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे डिज़ाइन में अलग अलग फिलिंग यूज़ करके, अलग अलग इनको अरेंज अलग अलग करके अपने तरीके से डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए, इस तरीके से जहाँ पर भी हमारा गैप रह गया है उनको हम अच्छे से फिल कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से आप खुद के डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ड्रॉ कर रहे हैं फिनिशिंग के साथ बनाएं, थोड़ा टाइम लीजिए उसमें, धीरे धीरे बनाइए, लेकिन आपको एकदम बारीक तरीके से और काफ़ी फिनिशिंग के साथ ड्रॉ करना होता है। तो जब भी आप अब मुझे प्रैक्टिस सेंड करेंगे अपनी, तो आपको ट्राई करना है कि जितना अच्छा आप, जितना डेलिकेट वर्क आप कर सकें उतना डेलिकेट वर्क आपको करना है। और अगर आपको लगता है कहीं पे भी आपका बेसिक कमज़ोर है, तो आपको पहले पीछे क्लासेस को प्रैक्टिस करना है फुल हैंड डिज़ाइन ड्रॉ करने से पहले। तो जितने भी लोग मुझे अब फेसबुक पे अपनी प्रैक्टिस सेंड कर रहे हैं, मुझे यही बोलना है उन लोगों को कि आपने अभी तक मुझे अपने स्टार्टिंग की प्रैक्टिस शेयर नहीं की है, कि जैसे बेसिक एलिमेंट हुए हमारे, कुछ बेसिक हमारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे कि हमारे स्वर्ल की प्रैक्टिस और सर्कल की प्रैक्टिस, लाइन की प्रैक्टिस। तो देखिए गाइस, इस तरीके से हमने अपना डिज़ाइन पूरा प्रैक्टिस किया है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है या आपका कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई देने का। तो और गाइस, जो लोग हमें अपनी प्रैक्टिस शेयर कर रहे हैं या फिर जो भी हमारे बिगनर हैं, वो अगर आज से अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सीखने के लिए, तो आपको ध्यान देना है कि आप कहीं से भी रैंडम डिज़ाइन ड्रॉ करके इस तरीके से पोस्ट ना करें। अगर आप बिगनर हैं
और आपने ग्रुप में मुझे प्रैक्टिस सेंड करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे? आप सीक्वेंस में प्रैक्टिस स्टार्ट करें कि पहले आप अपना बेसिक अच्छा करें, कि जैसे हमने स्टार्टिंग में लाइन को प्रैक्टिस किया है, उसके बाद कर्व को प्रैक्टिस किया है, हमने काफ़ी सारे फिलिंग एलिमेंट को प्रैक्टिस किया है, तो एक एक करके उनको आपको पहले प्रैक्टिस करना है। पूरा पूरा शीट आप मुझे सेंड कीजिए कि आज हमने फ्रिल प्रैक्टिस किया है। आप ऊपर लिखिए कि मैम मैंने इसको इस तरीके से प्रैक्टिस किया है, मुझे इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि आप इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेंडम प्रैक्टिस शेयर करेंगे कि फुल हैंड आप ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें कोई भी आप फास्ट वर्क करके सिर्फ सिंपल पोस्ट कर दे रहे हैं, तो मैं आपको वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें नहीं गाइड कर सकती। तो आपको एकदम बेसिक से अपना स्टार्ट करना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि आज मैं फ्रिल प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूँ, और उसके बाद आगे की प्रैक्टिस जब आप मुझे शेयर करेंगे, मैं आपको गाइड करूँगी, तो उसके बाद आप अपनी आगे की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही तरीका है और आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो आई होप जो भी लोग मुझे प्रैक्टिस शेयर कर रहे हैं, तो अब वो लोग समझ गए होंगे कि उन्हें कहाँ पे वर्क करना है और किस तरीके से वर्क करना है। और गैस मुझे आप लोगों को एक बात और बोलनी है कि जब भी मैं अपना क्लास अपलोड करती हूँ, तो आप लोगों का रेस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आता है। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक काफ़ी कम रहते हैं, आप कमेंट नहीं करके बताते कि आपको वीडियो हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। तो अगर आपका रेस्पॉन्स नहीं होगा तो मैं आगे वीडियो कैसे बनाऊँगी? तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे वीडियो अपलोड करती रहूं, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने कमेंट नीचे लिखने हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, आगे आप क्या चाहते हैं कि मैं उस पर और आपके लिए हेल्प कर सकूं, तो प्लीज़ अपने कमेंट दीजिए। तो गाइज बस यही मुझे आपको गाइड करना था। तो आज का हमारा क्लास यहीं पर एंड होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज हमारा आज का क्लास यहीं पर एंड होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।